नमस्कार, मेरा नाम है देवांशु तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव उत्तराखंड। सांसद अजय टम्टा निर्वाचित होने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। आइए देखिए एक खास रिपोर्ट। अजय टम्टा ने थल प्रेमनगर, पांखू कोटगाड़ी मंदिर, सैनर लोहाथल, कोट मन्या, एराड़ी कमेडी देवी में लोगों से मुलाकात कर भाजपा को जीत दिलाने के लिए आभार जताया। पांखू के कोटगाड़ी मंदिर में मन्नत पूरी होने पर पूजा अर्चना का भी आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को सुना। प्रेमनगर से हीपा सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सांसद को ज्ञापन सौंपा। कहा कि पिछले एक दशक सड़क स्वीकृत होने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। उन्होंने मौके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिशासी अभियंता को फोन कर स्वीकृति के निर्माण कार्य करने की कार्रवाई करने को कहा। कोटमन्या पांखू बरड़ बैड के खस्ताहाल सड़क को भी ठीक करने की मांग को लेकर पांखू के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। कांडे की रोली में एटीएम को लेकर भारतीय स्टेट बैंक के जीएम को तत्काल एटीएम लगाने के आदेश दिए गए। बेरनाग क्षेत्र में पानी और बिजली के संदर्भ में अधिकारियों को शीघ्र हल करने के आदेश विभाग को दिए गए। पांखू में पत्रकार वार्ता में पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में मोदी काम से खुश होकर जनता भारी बहुमत से भाजपा को जिताया। मोदी सरकार में सभी वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। पिछले 50 वर्षों में जितना विकास कार्य नहीं हुआ उतना विकास कार्य 5 वर्षों में हो गया है। आगामी 5 वर्षों में पहाड़ों में पलायन को रोकने के लिए मैं स्वयं कार्य कर रहा हूँ। पहाड़ों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था की मुहैया कराई जाएगी। हर गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा और हर गरीब परिवार को आवास दिया जाएगा। सभी गांवों में विकास की नीति तय की जाएगी। कोटमन्या पांखू सड़क को ठीक करने के लिए लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए गए हैं। मैं इस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहली प्राथमिकता मेरी अच्छी रोड की कनेक्टिविटी के साथ साथ पलायन पर है। जो माइग्रेशन हो रहा है, जो पहाड़ों से पलायन हो रहा है, वो एक बहुत कष्टकारी स्थिति है। मेरी सीमाएं खाली हो रही है। सीमाएं अगर लोग जाते हैं तो एक प्रकार के हमारे सीमा के प्रहरी भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी भारत माता की सीमा की प्रहरी भी रहते हैं। तो इस स्थिति को हमको ठीक लाने के लिए मुझे छोटे छोटे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम अपने भाइयों को, परिवार के लोगों को यहीं रोजगार दें, कच्चा माल आधारित उद्योग बनाएं, कैश क्रॉप्स का काम करें। देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें लाइव उत्तराखंड, खबरें उत्तराखंड की। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।